हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता और स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं कासी फल का हलवा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है, देसी घी पैन में डाल दिया है गर्म होने के लिए। और मैंने 250 ग्राम जो कासी फल है उसको छील कर और उसके बीज वाला पोर्शन निकाल कर कद्दूकस कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट मैं तेज आंच पर भूनूंगी। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए हमें, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 ग्लास दूध और इसको मैं तेज आंच पर ही तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाऊंगी। काफ़ी बॉयल आ चुका है इसमें, तो अब हम थोड़ी देर हो गई है हमें पकाते हुए, तो गैस कम कर देंगे और इसे लगातार आधे आधे मिनट बाद हिलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। बहुत अच्छी तरह दूध एकदम इसका सूख जाना चाहिए। चलाते चलाते दूध तकरीबन सूख चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून चीनी मिक्स कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिला दूंगी, और इसे भी मैं कम आंच पर अभी भूनती रहूंगी ताकि चीनी जितना भी पानी छोड़े वो भी एकदम सूख जाए। अब मैं इसमें इलायची दाना ऐड करूंगी और मिक्स करती रहूँगी इसको अच्छे से, और तकरीबन 2 मिनट और चलाने पर बिल्कुल हमारा हलवा रेडी हो जाएगा एकदम। हलवा बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और हलवा निकाल लेती हूँ। मैं सीताफल का हलवा एकदम रेडी है और मैंने इसमें कटे हुए बादाम से गार्निश किया है इसे, और आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। और इसको व्रत में भी खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और आपको यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।